दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हो कि कैसे आप अपने नए चैनल का नाम YouTube में सर्च पर ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम एक नया YouTube चैनल को क्रिएट करते हैं तब क्या होता है, हमारा चैनल सर्च पर नहीं आता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा, कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा, उसे करने के बाद आपका कितना भी नया चैनल क्यों ना हो, आपका चैनल सर्च में आने वाला है। लेकिन दोस्तों उस सेटिंग को करने से पहले आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि आपका YouTube चैनल का नेम दोस्तों एकदम यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब दोस्तों आप जिस नाम को YouTube चैनल पर रखना चाहते हो उस नाम को पहले से ही कोई रखा ना हो, मतलब कि आपके नाम से ही पहले कोई YouTube चैनल बना नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों पहले से ही आप जिस नाम से YouTube चैनल खोले उसी नाम से पहले से ही अगर YouTube चैनल होगा तो क्या होगा, उसका चैनल सर्च पे आएगा, आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपका तो नया चैनल है। इसलिए दोस्तों आपको एक यूनिक नाम को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यूनिक नाम आपको कैसे पता चलेगा कि आपका YouTube चैनल का नाम यूनिक है या भी नहीं, दोस्तों आपको क्या करना है, आप जिस नाम को YouTube चैनल का नाम रखना चाहते हो उसको आपको पहले YouTube पे जाकर सर्च करना है। अगर आपका उस सर्च करने के बाद कोई भी चैनल नहीं आता है, इसका मतलब कि आपका चैनल का नाम है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है, एकदम एक ही नाम होने वाला है। लेकिन अगर आप अपने चैनल का नाम सर्च करते हो दूसरा चैनल आ जाता है, इसका मतलब है कि दोस्तों आपका चैनल का नाम सही नहीं है, आपको एक यूनिक और नया नाम को सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों जब आपका चैनल का नाम यूनिक रखना हो जाए तब आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा अपने YouTube चैनल पर। कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने क्रोम के ब्राउजर पर। यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक यूट्यूब का लोगो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर अपने चैनल का लोगो दिखेगा, इस लोगो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर यूआर चैनल का एक ऑप्शन मिलेगा, यूआर चैनल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका चैनल का पेज जो है आपके सामने कुछ इस तरह का खुलकर आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कस्टमाइज चैनल का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड जो है वो खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है चैनल का, इस चैनल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए कीवर्ड लगा रखा है मैंने बहुत सारा, आपको भी कुछ इसी तरह का कीवर्ड लगाना है। आपको कैसा कीवर्ड लगाना है, आपके यूट्यूब चैनल का नाम को लिखना है। उसके बाद आप कौन से कैटेगरी के बनाते हो, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक कैटेगरी का वीडियो बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर टेक भी लिखूंगा और टेक कैटेगरी के जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उनका नाम भी लिखूंगा, ताकि उनके चैनल का अगर कोई सर्च करे तो मेरा आने का चांस बने, मतलब कि उनके चैनल के नीचे शायद मेरा भी आ जाए, इसलिए मैंने ऐसा लगा रखा है। उसके बाद आप क्या करना है, और चीज मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपका चैनल का नाम कुछ भी हो तो जैसे कि मेरा चैनल का नाम है रतिन राय, तो यहाँ पर पहले मैं लिखूंगा रतिन, ये मेरा एक कीवर्ड हो गया। उसके बाद एक लिखूंगा राय। उसके बाद आप अलग अलग अल्फाबेट में लिखना है, जैसे कि सभी को दोस्तों एकदम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। देखिए सभी अक्षरों को बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। उसके बाद सभी को छोटे में लिखना है, अभी कुछ इस तरह से दोस्तों आपको लिख लेना है, अपने चैनल के नाम को घुमा फिरा के हर तरफ से लिख लेना है। मतलब आपके चैनल को नाम को अगर कोई भी सर्च करे, किसी भी तरह से सर्च करे, चाहे वह छोटे अक्षरों में लिखे, बड़े अक्षरों में लिखे, कुछ भी लिखे, अलग लिखे, स्पेलिंग रॉन्ग लिखे, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी सेटिंग करोगे, जो भी शब्द लगाओगे, वो सारे क्या होगा, आपके चैनल का दोस्तों कीवर्ड होगा। मतलब जैसे कि हम यूट्यूब के वीडियो में कीवर्ड लगाते हैं, टैग लगाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों आप अपने चैनल का भी कीवर्ड लगा सकते हो, ताकि दोस्तों आपका चैनल सर्च पर आ जाए। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सभी चैनल आपके चैनल के नाम को घुमा फिरा कर छोटा बड़ा करके सभी तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है, बस इतना ही दोस्तों आप कर दोगे और यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका चैनल भी दोस्तों सर्च पर आने लगेगा। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बढ़ती रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।